नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी, और इनसे बात करेंगे बिहार के मौजूदा राजनीति में जिस तरह से उलटफेर हुआ। पहले भी रवि उपाध्याय जी ने बताया था कि बिहार में नीतीश कुमार नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब सर क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार में क्यों विलंब? नहीं, देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ऐसे में आज तक का इतिहास नहीं है, जहाँ तक हमको याद है, कि बिहार विधानमंडल का सत्र चलते हुए सत्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे जेहन में नहीं है। तो लेकिन हमको लगता है जैसा कि बिहार विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, 1 तारीख को समाप्त होने वाला है, तो वैसे में 1 तारीख को ही समझौता हो जाए, नहीं फिर दूसरे दिन 2 तारीख को हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार। और देखिए, सबसे बड़ा पेच कहाँ फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका क्लियरेंस उसकी हरी झंडी केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद ही कुछ न कुछ होगा। जदयू में कोई समस्या नहीं है, जदयू के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ से कोई दिक्कत परेशानी जेडीयू के अंदर नहीं होनी है। जो परेशानी का है वो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा। तो उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री जरूर है नीतीश कैबिनेट में, लेकिन उन लोगों की इसमें राय नहीं चलेगी मंत्रिमंडल विस्तार में, किसको भारतीय जनता पार्टी के कोटे से लेना है। और दूसरी बात, देखिए, जनता दल यूनाइटेड में भी एक समस्या भी हाल के दिनों में, जिस तरह स्पीकर का जो विश्वास मत हुआ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सरकार का जो हुआ, तो वो कहीं ना कहीं दो आप देखिए किस तरह से स्पीकर के समय में विधायकों की संख्या रूलिंग पार्टी की कितनी थी, उसी तरह से जो है तो जब सरकार का बहुमत की बात आई तो उस समय देखिए कि संख्या धीरे से बढ़ी। तो यह कहीं ना कहीं वह दिखाई भी पड़ता है कि जदयू में भी कुछ न कुछ अंदर खाने में खींचता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो भाजपा है उसने एक कुशवाहा समाज को दे दिया उप मुख्यमंत्री, एक भूमिहार समाज को दे दिया। अगर स्वर्णों की बात करें तो ब्राह्मणों की तादाद बिहार में सबसे ज्यादा है, राजपूतों के 18 विधायक बीजेपी में है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तक में राजपूत और ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला। लगता है कि मंत्रिमंडल में एक बड़ा प्रेस ये भी कारण है। वही हम कह रहे हैं कि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार में जो भारतीय जनता पार्टी की उसे अब जो सूची आएगी उसमें निश्चित रूप से आप देखिएगा कि सवर्ण समाज से लोगों का आना होगा, भूमिहार समाज से विजय सिन्हा है, लेकिन आप जिन ठाकुर समाज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, तो वैसे में उन लोगों का अभी नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से आ जाएगा। और यह पेंच को यह भारतीय जनता पार्टी में यही पेंच आपको कमोबेश आपको जेडीयू में दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू में एकमात्र ठाकुर समाज से जो इंडिपेंडेंट है सुमित कुमार सिंह, वह जो है तो है मंत्री बने। संजय झा को राज्यसभा भेज दिया गया है, तो इसका भी कोटा खाली है। पंकज मिश्रा की बात चल रही है और भी कई सारे दावेदार हैं, तो आपको लगता है कि जातीय समीकरण को साधा जाएगा? निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को साधा जाएगा, और नहीं साधने से जो है तो आपको महागठबंधन जो जिस तरह से लगी हुई है जातीय समीकरण और ये जातीय सर्वेक्षण की और सर्वे की बात से जो जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता घूम घूम करके अपने यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि यह नौकरी और जातीय सर्वेक्षण हमने कराया, इस सरकार ने कितना फैसला है, तो यह कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो आती हुई दिखाई पड़ रही है एनडीए गवर्नमेंट, इसमें कहाँ दिक्कत है। आपको लगता है कि जो जदयू भाजपा का गठबंधन हुआ है इसमें चिराग हैं, उनके चाचा पुष्पति पारस हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और बातें 17-17 सीटें, देखिए एक का 17 MP है, एक का 16 MP है, तो कहीं ना कहीं 33 सीटें तो कहीं ना कहीं फुल है, और 6 जो MP हैं वो लोजपा के हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी संभावना चिराग पासवान की? नहीं, देखिए, चिराग पासवान के पास एक बात समझने की है, वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है और उनका बिहार में आधार है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जब छोटे छोटे जब नीतीश कुमार को जब अपने साथ टैग कर सकती है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान को वह नाराज नहीं करने जा रही, और चिराग पासवान का एक विजन एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो तमाम बिहारियों को कहीं ना कहीं वो टच करता है, क्योंकि वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जब बात करते हैं तो उसे बिहार की इमेज की बात होती है, बिहार के जो युवा हैं उसके लिए बात होती है, तो निश्चित रूप से यह एक बात दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर चिराग पासवान को खुश करेंगे तो ऐसे में जो सीटों का कॉम्बिनेशन है, जीती हुई कोई भी सीट बीजेपी छोड़ने नहीं जा रही है, जदयू भी अपनी सीट नहीं छोड़ने जा रही है, तो ऐसे में पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कैसे मना पाए? नहीं नहीं, देखिए, उसमें ऐसे समझिए कि सारे लोगों को एनडीए फोल्ड में सबको एडजस्ट करना है। आपने जहाँ तक बात कही जदयू की, जदयू तो पहले ही 2 सीट का डिक्लेयर किए हुए, एक सीतामढ़ी से दिवेश चंद ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनको एक नॉर्थ ईस्ट में,
वहाँ पर भी उसने एक सीट को किए, तो दो सीट उनका है। और यदि वो कह रहे हैं कि हमको कितना ही पिछली बार के जैसा 16 सीट चाहिए, जैसे उनको 17 मिला था 2019 में, एक सीट वो हार गए थे, तो 16 भी अगर मान के चलिए तो उसमें दो सीट पहले ऑलरेडी उनका डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये 16 जो है तो दो उसी में रहेगा, लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ रहा है नया समीकरण, उसमें आपको उनको सीट कम उसमें दिखाई पड़ेगी। 13 सीट की बात हम लोग जहाँ तक जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में और जो जानकारी मिल रही है कि 13 सीट जदयू को मिलेगा और उसी में ही उनको समटा जाएगा, क्योंकि उसके बाद कई सारे उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, चिराग पासवान के चाचा कि लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, तो ऐसे में सबको चिराग पासवान को पता ही नाराज नहीं हो। चिराग पासवान की मांग है पाँच सीट की मांग है, तो वह उन पर देखिएगा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह क्योंकि चिराग पासवान ही एक ऐसे ग्रुप का है जो वोट ट्रांसफर कैपेसिटी करना और कराना जानते हैं, वैसे में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए वह बहुत बड़ा, और समय समय पर चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में साबित भी कर दिया है कि किस तरह से मोकामा में उन्होंने ट्रांसफर कराया और भी जगह जहां पर दो सीट जो दो तीन जगह पर हुआ उसमें वो अपनी उनकी पुख्ता पकड़ भी है पार्टी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को वो कितनी सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह क्योंकि चिराग पासवान ही एक ऐसे ग्रुप का है जो वोट ट्रांसफर कैपेसिटी करना और कराना जानते हैं, वैसे में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए वह बहुत बड़ा, और समय समय पर चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में साबित भी कर दिया है कि किस तरह से मोकामा में उन्होंने ट्रांसफर कराया और भी जगह जहां पर दो सीट जो दो तीन जगह पर हुआ उसमें वो अपनी उनकी पुख्ता पकड़ भी है पार्टी। ये हैं रवि उपाध्याय जी, और साफ बता रहे हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है ऑल इज वेल है, मंत्रिमंडल का विस्तार सदन चुकी चल रहा है और ऐसी कोई पार्टी नहीं रही है, तो जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त होगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जातीय समीकरण को सुधारा जाएगा और लोकसभा चुनावों के सीटों के बंटवारे का जो नया फॉर्मूला है उसमें सबको एक फोल्डर में एनडीए समेटने की कोशिश करेगी।